केक। आज की इस रेसिपी में आप देखेंगे कि मैंने इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है जो हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो चलिए केक की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुकर को प्रीहीट कर लेंगे जैसे हम ओवन को प्रीहीट करते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पर मैंने ये एक कप के करीब नमक ले लिया है, इसमें डाल देंगे। ये नमक थोड़ा सा आपको काला लग रहा होगा, इस नमक को मैं बेकिंग में बार बार यूज़ कर चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह से फैला देंगे इसको, और अब हम इसके ऊपर ये जाली स्टैंड को रख देंगे ताकि हम अपना केक टिन जो है इस पर आसानी से रख सकें। तो बस अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और अब हम इसको प्रीहीट होने देंगे 10 मिनट के लिए। सीटी निकाल देंगे, सीटी नहीं लगानी है, बस इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए गर्म होने देंगे, यानी कि प्रीहीट होने देंगे। अब हम चलते हैं अपने केक का बैटर बनाने की तरफ। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और बाउल के ऊपर ऐसे छन्नी को रख देंगे क्योंकि हमें आटे को छानना है। तो यहाँ पर मैंने ये आधा कप गेहूँ का आटा ले लिया है। मेजरिंग के लिए आप कोई भी एक कप सेट कर लें, उसी से सारी चीज़ें नाप लें। और इसके बाद डालेंगे इसमें 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, इसको डाल देंगे इसमें। और इसके बाद डालेंगे आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारा केक अच्छा फूलेगा और स्पॉन्जी भी बनेगा। तो अब हम इनको छान लेंगे। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आटे में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, हमारा केक जो है वो बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरह से छान लेंगे और एक बार ऐसे स्पून से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ड्राई मिक्स जो है वो तैयार हो गया है, और अब हम इसको कर देंगे साइड और यहाँ पर एक बाउल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दही। ये मैंने फ्रेश दही का यूज़ किया है, आप चाहे तो थोड़ा खट्टी वाली दही भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डाल देंगे इसमें, और इसके बाद डालेंगे इसमें 1/4 कप ऑयल। ये मैंने सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें बटर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में अगर रिफाइंड से भी केक बनाएंगे तो जो केक है वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। और अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। तो मैंने यहाँ पर ये आधा कप चीनी ली है, जितना हमारा आटा होगा उतनी ही हमारी चीनी यूज़ होगी, तो इस बात का ध्यान रखें। आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसको एक हैंड मिक्सर की सहायता से थोड़ा सा बीट कर लेंगे। इतना बीट करेंगे कि जो चीनी है पिसी हुई वो इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर जो चीनी है इसमें वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस में थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, जायफल पाउडर भी डाल सकते हैं। तो जो आप फ्लेवर देना चाहें इसमें आप वो डाल सकते हैं। तो बस इसको एक बार ऐसे मिक्स कर लेंगे और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो हमने जो ये ड्राई मिक्स को तैयार किया था, अब हम इस मिक्सचर को इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इसमें डालें और इसको मिक्स करते जाएँ। इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। तो इसको बहुत ही आराम से बिल्कुल जेंटली इसको मिक्स करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है इसको। तो ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने ये आधा कप दूध ले लिया है, जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से इसमें दूध डालते रहेंगे। और आप दूध की जगह पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दूध ही यूज़ करना है, लेकिन दूध यूज़ करेंगे तो उससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा केक में। तो इसको ऐसे मिक्स करते रहेंगे, आप चाहें तो इसको स्पून से ही मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो रेडी हो गया। इस तरह रिबन की तरह ऐसे गिरना चाहिए तो हमारा बैटर जो है परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर आधे कप में से ये 2 टेबल स्पून के करीब दूध बच गया है। तो इसको हम रख देंगे साइड में, हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। और अब हम ले लेंगे एक केक टिन और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये बटर पेपर, यानी कि पार्चमेंट पेपर। इससे जो हमारा केक है वो बाद में बेक होने के बाद आसानी से निकल जाता है। तो अगर आपके पास ये बटर पेपर नहीं है तो आप केक टिन को ऐसे ही ऑयल से ग्रीस कर लें, उस पर थोड़ा सा आटा या मैदा छिड़क दें, तो उससे भी जो हमारा केक है वो आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से इसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे। तो ये देखिए हमारा केक टिन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें बैटर को डाल देंगे
तो फटाफट से सारा बैटर इस केक टिन में डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से रिबन की तरह गिरता हुआ जो बैटर होता है वो एकदम परफेक्ट होता है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काजू ले लिया है कटा हुआ, थोड़ा सा बादाम ले लिया है कटा हुआ, थोड़ी सी किशमिश और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ले ली है। तो अब हम इसको इसमें डाल देंगे तो इससे जो हमारा केक है वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप अपनी पसंद के इसमें कोई से भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या फिर आप इसको बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा इसको ऐसे टैप कर देंगे ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हों वो निकल जाएं। तो इस तरह से थोड़ा सा ऐसे इसको टैप कर देंगे और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे काजू बादाम को सजा देंगे ताकि ये देखने में और भी बढ़िया लगे। तो इस तरह से मैंने ये कुछ काजू को ऐसे काट के रखे हैं लंबे लंबे और बादाम को भी इसके ऊपर डाल देंगे, कुछ किशमिश को भी डाल देंगे और इसके बाद थोड़ी सी हम टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये देखिए हमारा जो केक है वो बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। चलते हैं गैस की तरफ और इसको बेक करते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं, हमारा कुकर भी प्रीहीट हो गया है, बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इस केक टिन को इसमें सावधानी से रख देंगे। तो देखिए 10 मिनट में फटाफट से केक बैटर भी तैयार हो गया है और इतनी देर में कुकर भी प्रीहीट हो गया है। तो बस अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। तो अब हम इसको लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने देंगे। अगर आप इसको अवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप 10 मिनट के लिए पहले अवन को प्रीहीट कर लें, उसके बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट के लिए इसको बेक कर लें। तो यहाँ पर 40 से 45 मिनट हो गए हैं और हम केक को चेक करेंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं केक का कलर कितना बढ़िया आया है और केक अच्छे से बेक हो गया है। तो एक बार टूथपीस से ऐसे चेक कर लेंगे कि हमारा केक जो है परफेक्टली अंदर से पका है कि नहीं पका है। तो ये देखिए टूथपीक एकदम साफ निकल कर आ रही है, इसका मतलब हमारा जो केक है वो अच्छे से पक गया है। एक बार और चेक कर लेंगे दो तीन जगह से। ये देखिए टूथपीक हमारी बिल्कुल साफ निकल के आ रही है, यानी कि केक जो है वो एकदम परफेक्ट पका है। तो अगर केक नहीं पका है इतनी देर में तो उसको 5-10 मिनट के लिए और पका सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर केक टिन को कुकर से निकाल लिया है, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। आप इसके साइड्स भी देख सकते हैं कैसे केक टिन से अपने आप अलग हो गए हैं, इसका मतलब केक जो है वो परफेक्टली पका है। तो अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही इसको डीमोल्ड करें। थोड़ा सा ऐसे टैप कर देंगे और ये देखिए हमारा केक कितनी आसानी से निकल गया है। और एक बार मैं आपको इसको ऐसे पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना परफेक्टली पका है चारों तरफ से और कितना स्पंजी बना है, बिना अंडे के बिना कंडेंस मिल्क के। देखिए कितना बढ़िया पका है चारों तरफ से। तो एक बार मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा लग रहा है दिखने में। तो ये देखिए अंदर से इसका टेक्सचर, मैं ऐसे इसको दबा रही हूँ, कितना सॉफ्ट है। तो अगर आपको मेरी ये केक की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।